हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने ये माइक खरीदा है सिंक का, लावा एसिड, और इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें से ऐसे बैग निकला है एक, और इस बैग के अंदर है माइक और कुछ इसकी एक्सेसरीज हैं। तो देखते हैं इनमें क्या-क्या है। ये क्लिप निकला है इसमें से, और एक कैप निकली है, और इसका एक सेल निकला है। तो लगाते हैं इसको माइक में और फिर इसका टेस्ट करते हैं कि माइक लगाने के बाद साउंड कैसा है इसमें। इसको ऐसे ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहां पर सेल लगता है इसका। यहाँ पर ये मैंने इसका सेल लगा दिया, और इसको अब बंद कर देता हूँ। ये अब बंद हो गया है। ये क्लिप अब माइक में लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे ये फिट हो जाता है, और उसके बाद ये कैप लगाते हैं। ये कैप थोड़ा क्लियर करता है और नॉइस कैंसलेशन का काम करता है। ये कैप इसके अंदर फिट हो गया है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये माइक मैंने लगा लिया, और इसको लगाने के बाद आप साउंड का थोड़ा डिफरेंशिएट कर ही पा रहे होंगे, इससे पहले कैसा साउंड था और अभी कैसा साउंड है। और इसकी जो वायर है वो तकरीबन 8 मीटर की है, देख सकते हैं। मैं कैमरा से इतनी दूर हो गया हूँ, और अब भी इसकी जो वायर है काफ़ी और ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं अभी तो काफ़ी है जो मैंने ओपन करी नहीं है वायर। ये 3.5 mm जैक के साथ आता है। अगर आपके फ़ोन में या कैमरा में 3.5 mm का जैक है तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक अलग से एक कनेक्टर खरीदना पड़ेगा। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है, और आपको आसानी से मिल भी जाएगा। आप इसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, वहाँ पर भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो गाइज, इतना ही था इस ब्लॉग में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। देखते रहिए केबीज मोमेंट। बाय बाय।